भाजपा जल्द लोक कल्याण संकल्प पत्र में श्रमिकों से क्या वादा निभाने की तैयारी में है। श्रमिकों की बेटियों की शादी में अब सरकार 1,00,000 रुपए का शगुन देगी। सामूहिक विवाह में होने वाली शादियों में यह राशि इससे अधिक होगी। इस योजना का लाभ श्रम विभाग के तहत संचालिका भवन और सन्निर्माण कर्मकार बोर्ड में पंजीकृत 1.43 करोड़ श्रमिकों के परिवारों को मिलेगा। श्रम विभाग ने इसे 100 दिन की कार्य योजना में शामिल किया है। श्रम विभाग कन्या विवाह सहायता योजना के तहत अभी तक बोर्ड में पंजीकृत श्रमिकों की बेटियों को दो तरह से अनुदान देता रहा है। एकल विवाह की स्थिति में 55,000 रुपए का अनुदान मिलता है, जबकि सामूहिक विवाह में शादी होने पर यह राशि 65,000 रुपए है। सामूहिक विवाह को बढ़ावा देने के लिए 10,000 रुपए दूल्हा दुल्हन की पोशाक के नाम पर और 7,000 रुपए अन्य व्यवस्थाओं के लिए भी दिए जाते हैं। इस प्रकार सामूहिक विवाह में होने वाली हर शादी पर अब तक सरकार 82,000 रुपए खर्च करती है। योगी सरकार के चुनावी वायदे के अनुरूप अब श्रमिकों की बेटी की शादी में दिए जाने वाले शगुन को बढ़ाकर 1,00,000 रुपए किए जाने का प्रस्ताव किया गया है। इसे बोर्ड के समक्ष रखा जाएगा। ऐसे में एकल विवाह की राशि 55,000 से बढ़कर 1,00,000 रुपए हो जाएगी, जबकि सामूहिक विवाह में 1,00,000 रुपए के अलावा 10,000 रुपए पोशाक के लिए और 7,000 अन्य व्यवस्थाओं के लिए हो सकते हैं। ऐसे में ये राशि 1,17,000 रुपए हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया न्यूज, लखनऊ।